नमस्कार दोस्तों, मैं राजन दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और रात के 10 बज चुके हैं और रोजाना की तरह आज भी हम लोग एक साथ हैं, एक ही चैनल पर और एक ही चीज़ें। तो रात को 10 बजे आप हमारे साथ इकट्ठा होते हैं जीएस को चेक करने के लिए। रोज मेरे साथ रोजाना 10 बजे आपका शेड्यूल होता है अपने जीएस को जांचने का। तो आज इस सीरीज में 42वां दिन है, तो मुझे अच्छा लगा कि इस 42 में दो और दो दो दो, तीन बार दो दो करें तो ये सिस्टम सेट हो जाता है। तो आज मैंने क्वेश्चन की संख्या इंक्रीज करी है, आज से आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहली बधाई आपको, और साथ साथ मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज और देने वाला हूं कि वो गुड न्यूज आपको अगली स्लाइड पर मिलेगी। वो गुड न्यूज ये है कि माई पाठशाला द लर्निंग ऐप पे आप ये सारे क्विज एक साथ देख सकते हैं। तो जल्दी करें, इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और यहां पर पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिस भी सेगमेंट के एग्जाम हुए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, हर सेगमेंट के क्विज जो है अपलोडेड हैं और पिछले 10 साल के पेपर जो है इस पे जरूर मिलेंगे हर सेगमेंट के एग्जाम के। तो आप लोग जिस सेगमेंट में, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आईटीजेई, चाहे नीट, चाहे बैंकिंग, चाहे डिफेंस, चाहे पुलिस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, लॉ, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां पर इस लर्निंग ऐप के माध्यम से क्विज को फ्री में जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री में जीएस का या किसी भी सेगमेंट के किसी भी एग्जाम का मजा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के इस सेशन को, जिसमें आज से 20 सवाल हो रहे हैं। तो इस सेशन का पहला सवाल है ये आपके सामने, सिंपल सा सामान्य सा सवाल है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन परीक्षा में बहुत परेशान करता है। कारण कि इसके विकल्प ऐसे होते हैं, आंसर आपका है कि किसी देश की समस्त संपत्ति, दूसरा करों से प्राप्त आय, और तीसरा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, और चौथा देश का बजट। अजीब से विकल्प मिलते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहां हमें राइट आंसर देखना है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था बेसिकली कहते हैं अर्थ और व्यवस्था, जहां व्यवस्था सब जुड़ती है वहां अपने आप जुड़ जाता है समन्वय। क्लियर? तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का जो समन्वय, ये कहलाता है अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में आप इस समन्वय में, आर्थिक गतिविधियों के समन्वय में उत्पादन शामिल होता है। तो याद रहे, अगर ये विकल्प हटा करके उत्पादन, उपभोग, उत्पादन के साथ साथ उपभोग, उसके साथ आय, इनकम और व्यय, अगर ये सारी लाइन भी ऐड करेगा तो आर्थिक गतिविधियां उत्पादन, उपभोग, आय और व्यय को ही कहा जाता है। इनमें विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सारी चीजें शामिल होती है। तो किसी भी देश में अर्थव्यवस्था से जो मीनिंग निकलती है वो देश की इकोनॉमिक गतिविधियों से निकलती है, ना कि सिर्फ बजट, ना सिर्फ टैक्सेशन, या ना ओनली फॉर किसी देश की प्रॉपर्टी से निकलती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा झुकझोरेंगे, बट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और आपके काम आएंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आपको बताया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है अपने पुराने लेक्चरों में, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है मुझसे वो इसे भली भांत जानते हैं कि 1776 में एक बुक लिखी गई, 1776 में, और इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस बुक के रचयिता थे, ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक को लिखा गया 1776 में यूएसए में, अमेरिका में, और उस अमेरिकन अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। इसमें एक बड़ा नाम और भी है, जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की नींव रखी इस बुक के माध्यम से, इसीलिए इन्हें माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमी का जनक। क्लियर? सिंपल सा सवाल था और मुझे पता है कि सबको इसका आंसर आता था, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है।
एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज बंद कर दी गई, क्या होगा? मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होगी, करेंसी इज फुल्ली कंट्रोल्ड, घाटे की वित्त व्यवस्था होगी, ठीक, तो डेफिसिट जो है फाइनेंसिंग होगी। नेक्स्ट है केवल निर्यात होगा, ओनली एक्सपोर्ट, ना तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा। तो बेसिकली हम बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो पूरी तरह से सेल्फिश होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है। तो जब कोई अर्थव्यवस्था सेल्फ डिपेंडेंट होती है, आप पूरे मैच्योर होते हैं, पूरे परिपक्व होते हैं, ना किसी से लेना ना किसी को देना, ना उधव का लेना ना माधव का देना, तो ना तो एक्सपोर्ट होगा और ना ही इंपोर्ट होगा। ये दोनों एक्टिविटी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आप कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं रखते, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्लोज इकोनॉमी। क्लियर? अगला सवाल आपका ये रहा, नेक्स्ट, ये अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको मैंने बताया कि अर्थशास्त्र के पितामह बने कीन्स साहब, लेकिन इसके पहले ही अर्थशास्त्र की नींव रखी एडम स्मिथ साहब ने, और एडम स्मिथ साहब ने अपनी पुस्तक में इसे बताया है कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है, ये इनका स्टेटमेंट रहा, ठीक, तो इन्हें साइंस ऑफ वेल्थ कहा। क्लियर? धन का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ वेल्थ कहा इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है, कैपिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, जब आप कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको अपने आप इसका अर्थ निकल के आना चाहिए। यह इकोनॉमी सबसे पहले यूएसए के द्वारा अपनाई गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था के लक्षणों की सबसे पहले चर्चा किसने की? स्मिथ साहब ने की, एडम स्मिथ ने की इस अर्थव्यवस्था की सबसे पहले चर्चा, उन्होंने इसके लक्षण बताए। और इन्होंने बताया कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो सब कुछ करेगा बाजार, सामान बनाएगा भी सामान बेचेगा भी, मतलब बाजार किसी व्यक्ति विशेष की अमानत नहीं होती, ये कई लोगों का समूह होता है, तो यहां पर जो स्वामित्व होगा वो निजी होगा न कि सरकारी। तो निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है ये, ठीक, प्राइवेट व्यवस्था यहां देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, इंडियन इकोनॉमी काफी पुअर रही, धीरे धीरे गेन कर रही है, अब इसकी इस अर्थव्यवस्था की हमको विशेषता निकाले। कृषि प्रधानता, बिल्कुल, आप 1951 से ले लें और 2019 तक की बात करें तो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल जीडीपी का 55.4% और 2019 की बात करें तो 17% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट योगदान है। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि में जुड़े हुए लोग हैं, तो सन 1951 की जनगणना की बात करें तो लगभग 82% लोग कृषि कार्यों में रत थे, और आज भी 2011 की जनगणना की बात करें तो 52% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो यहां पर कृषि की प्रधानता है पहला विकल्प, राइट। दूसरा, उद्योगों की प्रधानता, अगर उद्योग की प्रधानता होती तो 52% लोग कृषि में नहीं होते, दूसरा विकल्प गलत। तीसरा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, जी हां, एग्रीगेट की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बृहद बेरोजगारी, जी हां, तमाम प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, तो यह चौथा विकल्प भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों विशेषताएं बी ऑप्शन में आपको मिल रही है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ये रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? सिंपल सा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, नो डाउट। तो अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का एक साथ जो है सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े
उद्योग का सहस्तित्व। तो जब आप अर्थव्यवस्था की बात नियंत्रण के आधार पर करते हैं तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको दिखती हैं। एक दिखती है आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी दिखती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी दिखती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जब कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक को मिला देते हैं तब आपकी बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कैपिटलिस्टिक में क्या था, यहां पर प्रोडक्शन कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के लोग, और सोशलिस्ट में क्या था, यहां प्रोडक्शन कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग। तो दोनों को मिलाया तो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व दिखाई दिया। तो राइट आंसर आपका होगा सरकारी और निजी का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय आय का अर्थ है नेशनल इनकम की बात हो रही है। नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, पहला विकल्प। दूसरा, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, दूसरा विकल्प। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन है आपका, तो यहां पर आठवें क्वेश्चन में आपका विकल्प होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब है आपका फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक, 31 मार्च तक, ठीक। तो 31 मार्च की बात कर लें आप, 31 मार्च ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो कुछ संसाधन देश में जो है पैदा हुए उसे आप कहते हैं क्या, मतलब एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो इसे आप निकालेंगे किस पे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर। तो जब आप इसे एनएनपी पे काउंट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट पर, तब इसे निकाला जा सकता है। और ये तीन के तीनों विकल्प नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कास्ट आपका प्योर नेशनल इनकम होता है। तो इन चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है। हम परिभाषा बता रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जिसमें दोहरी गणना न की गई हो उसे ही आप कहेंगे देश की राष्ट्रीय आय। क्लियर, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, ये रहा, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बात है औसत प्रति व्यक्ति आय, तो जब बात आंकड़े की हो तो आंकड़ों में थोड़ा सा खेल होता है, लेकिन बिल्कुल भी घबराइए मत। देखिए, अगर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी अटैच हो तो बिल्कुल आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। यहां पर इन चारों विकल्पों में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसे आप कहते हैं दिल्ली, और जिसकी प्रति व्यक्ति आय 3,29,093 रुपए है। यहां की 3,29,093 रुपीज है, और यह देश में सर्वाधिक है। और अगर पूछा जाए राज्य में, और दिल्ली विकल्प में ना हो, तो सारे राज्यों में गोवा सबसे टॉप पे है, 2,70,000 के आसपास इसकी राशि आय है, 2,70,150 यहां की प्रति व्यक्ति आय है। तो गोवा राज्यों में नंबर एक पर है, लेकिन इन चारों में सबसे टॉप पे है दिल्ली, 3,29,093 रुपए। क्लियर, तो ये टॉप की आपकी पर कैपिटा इनकम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 12 नंबर सवाल आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यह उस संगठन के द्वारा की जाती है जिस संगठन की स्थापना 1951 में की गई, 2 मई 1951। कब, 2 मई 1951 को इस संगठन की जो है स्थापना की गई। और यह संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करता है और एक बुक निकालता है जिसका नाम है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। क्या कहते हैं उसे, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, इस नाम की एक बुक निकालता है। और इस बुक को जो है व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, श्वेत पत्र। और इस पत्र को निकालने वाला संगठन है आपका CSO, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वो संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जिम्मेदार है।
नीति आयोग, वित्त आयोग या आरबीआई द्वारा इसकी गणना नहीं की जाती। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका अगला सवाल होने वाला है। क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यहां पर है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जब आप एनडीपी की बात करें तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। यहां पर घरेलू का मतलब होगा कि घर में, घर आपका है भारत। तो अगर भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो कुछ उत्पादन हुआ है, अगर उसका मौद्रिक मूल्य निकाल दिया जाए, मॉनेटरियल प्राइस निकाल दिया जाए, तो उसे आप कहेंगे जीडीपी टोटल। अगर उसमें से ह्रास घटा दें, डेफ्रिशिएशन निकाल दें, तो जो इनकम होगी, जो उत्पादन होगा, वो प्योर होगा। चार विकल्प देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास जोड़कर, डेफ्रिशिएशन की बात हो रही है, ठीक। दूसरा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाकर, जी नहीं, इसका फार्मूला है जीडीपी माइनस डेफ्रिशिएशन। क्या होगा? डेफ्रिशिएशन मतलब सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर, बिल्कुल सही आंसर, जीडीपी माइनस डेफ्रिशिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। क्लियर। ये आपका 11वां सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? आपके जो टोटल, सकल का मतलब है यहां पर जी ग्रास, राष्ट्रीय मतलब एन, और पी जीएनपी में कह रहा है कि श्रम की भागीदारी कम हो रही है। श्रम की भागीदारी, बहुत बेहतरीन सवाल है। श्रम की भागीदारी जो है यहां पर, लेबर पार्टनरशिप कम हो रहे से का कारण क्या है? मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं, या कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है? बताएं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी का कम होने का कारण क्या है? यस, देखिए, कोई व्यक्ति काम तब करेगा जब उसे उतनी कीमत की मजदूरी मिले जितने कीमत का वह काम करे। तो जब कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होगी तो भागीदारी अपने आप घट जाएगी। आप काम करेंगे, आपको निर्वाह मजदूरी चाहिए, जीवन चलता रहे, तो जो कीमत स्तर है अगर उस पर मजदूरी नहीं मिल रही है, आपको एक दिन जीने के लिए अगर 100 रुपए की जरूरत है और सामान्य सा जीवन 5 स्टार में 100 रुपए में नहीं जी पाएंगे, तो 100 रुपए बेसिक चाहिए आपको भूख मिटाने के लिए, और आपको 70 रुपए का मजदूरी पे काम मिले, तो आप मजदूरी का काम छोड़ देंगे। तो जब कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होती है तो मजदूरी की भागीदारी अपने आप घट जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आधार वर्ष के बारे में बताएं। 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहले हम आधार वर्ष के रूप में 2004-05 का प्रयोग करते थे, इसके पहले 1999 का प्रयोग होता था, लेकिन फिर बदला गया इसे, और वर्तमान समय में सन 2015 से आधार वर्ष बदला गया। 2015 में नया आधार वर्ष डिसाइड किया गया, और वह आधार वर्ष है 2011-12। इसको डिसाइड किया गया है 2015 से, कब से? 2015 से यह नया आधार वर्ष आपके यहां काम कर रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है। यह 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है, नेशनल इनकम की गणना, ये राष्ट्रीय की गणना करता कौन है आपके यहां? आपके यहां राष्ट्रीय आय की गणना करने की जिम्मेदारी है CSO की। किसकी? ये काम करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हैं, जो 2 मई 1951 को स्टेबल हुआ। क्लियर। अब ये बताता है कि आपके यहां अल्प रोजगार है, मुद्रा स्फीति है, या असंगठित क्षेत्र है, ऐसा कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या उत्पन्न होती है? क्लियर, प्योर गणना नहीं आती। देखिए, प्योर गणना आपके नेशनल इनकम की तब आएगी जब हर चीज लिपिबद्ध हो,
लिखा हुआ हो, ऑनलाइन हो, या तो ऑनलाइन हो या तो ऑनलाइन हो, अगर वो रिटर्न फॉर्म में है, लेखांकन किया गया है, तब उसकी गणना आसान होती है। लेकिन जो आपका असंगठित क्षेत्र है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, जैसे आपके मजदूर वर्ग हो गए, तो इनके द्वारा किए गए कामों का, इनके द्वारा अर्जित की गई आय का कोई भी लेखांकन नहीं होता। तो जब लेखांकन नहीं होगा तो उनकी गणना सीएसओ कैसे करेगा? तो आपके यहां राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे बड़ी समस्या है असंगठित क्षेत्र, क्योंकि अल्प रोजगार समस्या नहीं, अल्प रोजगार देश की समस्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या नहीं है, मुद्रास्फीति भी गणना की समस्या नहीं है, यहां गणना में उत्पन्न होने वाली समस्या पूछ रहा है, तो वो आपका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र, कृषि या आपका यह मजदूर वर्ग जो है रेगुलर नहीं है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये रहा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय का आय का आकलन किसने किया था? तो जी हां, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया 1865 में, और इन्होंने जिस व्यक्ति ने किया 1865 में, इन्होंने बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय है 340 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय भी बताई इन्होंने, पीआई पर कैपिटा इनकम, ये बताया 20 रुपए वार्षिक। कितना? 20 रुपए वार्षिक। ये पहली गणना है बट वैज्ञानिक नहीं है, पहली वैज्ञानिक गणना वीकेआरबी राव के द्वारा की गई, जबकि पहली गणना दादा भाई नौरोजी ने की, और इन्होंने इसी गणना के आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसे आप कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी कहा जाता है इसे, धन निष्कासन का सिद्धांत, ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और बताया कि अंग्रेज कैसे भारत से पैसा चूस करके अपनी झोली भर रहे हैं। क्लियर? तो यह काम करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NNP एट मार्केट प्राइस यस प्राप्त किया जाता है, NNP मार्केट प्राइस माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेक्स्ट GNP प्लस मूल्यह्रास, GNP माइनस मूल्यह्रास, याद रहे आपको निकाला है NDP, NDP का मतलब है नेशनल, NDP का मतलब है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब राष्ट्रीय, ठीक, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोफारी NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध, आपको निकालना है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद की जब आप बात करते हैं तब आप क्या निकालते हैं? बाजार कीमत पर अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो आपको अपने देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं का वो मूल्य निकालना है जो इसमें से डेफ्रिशिएशन घटाने के बाद निकलता है। तो आप क्या करेंगे, GDP में से जब आप मूल्यह्रास निकाल देंगे तो निकल जाएगा क्या आपका, वो निकलेगा आपका ये NNP। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट लगाई गई है, ट्विस्ट लगाई गई है मार्केट प्राइस, ठीक। अगर आपसे शुद्ध पूछा जाए कि NDP क्या है तो NDP इक्वल टू GDP माइनस डेफ्रिशिएशन, लेकिन जब मार्केट प्राइस की बात कर दी जाएगी तो सारा का सारा आंकड़ा बदल जाएगा। तब आप क्या करेंगे, NDP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्लियर? तो आपका आंसर होगा कि आपका NDP है बाजार कीमत पर NDP प्लस जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हुई है वो भी इसमें जो है इससे निकाल दी जाती है। क्लियर? तो आपकी शुद्ध घरेलू उत्पाद होगी कि आपकी NDP, उसके साथ जो विदेशों से आय आपकी हुई है वो निकालने के बाद। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? बात यहां हो रही है सकल घरेलू उत्पाद की, सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा में से घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? घरेलू सीमा में क्या होगा, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, मतलब विदेशों में जो भारत के मंदिर हैं क्या उन्हें भारतीय, भारत का घरेलू सीमा माना जाएगा? दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र,
या समुद्री सीमा या विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे, आपके बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत सी संस्थानें, ये कहाँ पर हैं? ये भारत के बाहर हैं। तो इसमें पूछा है शामिल नहीं है, याद रहे शामिल नहीं है। तो जब आपकी सीमा के बाहर भारतीय संस्कृति के मंदिर हैं, भाई भारतीय संस्कृति के मंदिर तो पाकिस्तान में भी हैं, भारतीय संस्कृति के मंदिर तो जापान में भी हैं, जहां कहीं भी भारत के लोग गए, निवासी बने, उन्होंने अपना कल्चर अपनाया, तो पहली बात तो इन्हें गायब कर दीजिए। पहला विकल्प, दो या दो से अधिक देशों के मध्य अगर सीमा विवाद का क्षेत्र है, जैसे आपके और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा विवाद का क्षेत्र है और वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वहां पर आपकी आय नहीं होगी, उसे भी आप घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे। तो पहला और दूसरा बाहर होगा। समुद्री सीमा में जो आपकी आय होती है वो आपकी घरेलू होती है। समुद्री सीमा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून से चलाई जाती है। यहां से लेके 12 नॉटिकल मील तक ये मानी जाती है आपकी आधार रेखा। 12 से 24 तक आपका डिफेंस जोन है और 12 से 24 तक आपका डिफेंस जोन है। 24 से 200 नॉटिकल मील तक, कहां तक? 200 नॉटिकल मील तक। यहां से 200 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यहां पर जितनी भी गतिविधियां करेंगे वो आपकी होगी। तो 3 और 4 अपने आप शामिल होगा। विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे ये भी शामिल होते हैं, वो भारत के ही माने जाते हैं। तो यहां पर 3 और 4 शामिल होगा, 1 और 2 शामिल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे चलते हैं आपके 18 नंबर सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय, बात है डिस्पोजेबल इनकम। जिन लोगों ने उसे ऑफलाइन पढ़ा होगा उन्हें शायद उत्तर बताने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें मैंने पढ़ाया भी है, और जिन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा होगा उन्हें भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है वो बताएं कि प्रयोज्य आय क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है। व्यक्तिगत आय माइनस डायरेक्ट टैक्स, व्यक्तिगत आय माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सकल आय टोटल आय या माइनस सकल कर टोटल कर, सार्वजनिक आय पब्लिक इनकम माइनस सब्सिडी। प्रयोज्य आय वो आय होती है कि मैंने जितना रुपया कमाया उसे खर्च करने का मुझे अधिकार है, मैं उसे व्यय कर सकता हूं, लेकिन जितना कमाया उतना ही, उससे अधिक नहीं। तो जो कमाया वो मेरे हाथ में आया कि नहीं आया, अगर हम 10 लाख कमा रहे हैं तो सरकार को डायरेक्ट टैक्स देने के बाद हमारी आय घट करके हमको मिलेगी। तो जो व्यक्तिगत आय हमारी है, इस व्यक्तिगत आय में से जब प्रत्यक्ष कर निकाल दिया जाता है तो जो इनकम शेष बचती है उसी को आप कहते हैं प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस सेशन का 19वां सवाल होने वाला है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के सवाल टोटल कॉन्सेप्चुअल हैं, बट बहुत हल्के सवाल हैं, बहुत टफ सवाल नहीं माने जा सकते, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो अगर नहीं पढ़ी है तो ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद, क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ने के बाद, इकोनॉमिक के क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, इस पर अपने आप चीजें समझ में आएंगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता है, द्वितीय क्षेत्र का अंश होता जाता है, क्या होता जाता है पता नहीं, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्डरी, 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जैसे जैसे आप देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो नेशनल इनकम आपकी गणना योग्य आय है, क्या है, इसे गिना जा सकता है। लेकिन अगर ये लगातार बढ़ रही है तो आपके सर्विस सेक्टर का अंश अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था में जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो सर्विस सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र का अंश अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस सीरीज का आखिरी सवाल है। यस, लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखांकन वर्ष मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर,
के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल का मूल्य कहा जाता है। याद रहे कि एक वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, यहां 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक फाइनेंशियल ईयर में देश की घरेलू क्षेत्र में, मतलब अंडर कंट्री की बात हो रही है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। मैंने अभी अभी सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा बताई है, जीडीपी की, कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी प्राइस, कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी सवाल था, तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होगा। लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कराना चाहूंगा कि माई पाठशाला जो है, द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो ऐप आपको फ्री में ढेर सारे जो है क्विज देने वाला है। तो वहां पर हर एग्जाम के हिसाब से, हर स्ट्रीम के एग्जाम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसे जल्दी से डाउनलोड करिएगा, और वहां पर जितने भी फ्री के कोर्सेज हैं उन्हें आप लोग तेजी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपके एग्जाम की सफलता तक ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी प्रयास बन पड़ रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और ये क्वेश्चन का इंक्रीमेंट भी कैसा लगा, इसे भी बताइएगा। इंक्रीमेंट थोड़ा सा धमाकेदार था, क्योंकि आज क्वेश्चन मेरे इकोनॉमिक्स के थे। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शुरुआत बड़ी की जाए तो थोड़ी मेहनत से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, रात काफ़ी हो चुकी है। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।